अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इरफान राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देश परदेश टीवी और फेसबुक चैनल देश परदेश टीवी। तो अभी मैं पहुँचा हूँ यूके से। मेरी फ़्लाइट थी नॉर्वे के लिए और अभी नॉर्वे पहुँचा हूँ मैं। तो यहाँ पे एयरपोर्ट के आपको मनाजर दिखाते हैं आप। बहुत अच्छा मौसम है, इंजॉय करेंगे हमारे साथ। और नॉर्वे तो है भी बहुत खूबसूरत, तो दिखाते हैं आपको नॉर्वे जो एयरपोर्ट है इसके मनाजर। जी दोस्तों, ये जो एयरपोर्ट है इसको कहते हैं, वैसे तो लिखा हुआ TORP, तो थॉर्प कहते हैं इसको, थॉर्प एयरपोर्ट है। तो ये आपको दिखाते हैं, बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट है यहाँ पे। ये देखें, अभी एयर होस्टेस जा रही है, कोई फ्लाइट इसकी जाने वाली है तो ये जा रही है अपनी फ़्लाइट को लेके। अच्छा, यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि ये टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से टैक्सी जो है वो बुक करके लोग ले जा सकते हैं। और इसके पीछे बस नज़र आ रही है आपको, और ये एक टूरिस्ट बस नज़र आ रही है। तो डिफरेंट टाइमिंग्स हैं इनकी, डिफरेंट जो सिटीज़ हैं नॉर्वे के, वहाँ ये बसें जाती हैं यहाँ से एयरपोर्ट से। और ये एयरपोर्ट जो इसका नॉर्वे का जो कैपिटल है ओस्लो, इससे थोड़ा दूर है, और एटलीस्ट ये यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। मेरी जो बस है अभी वो आएगी 2:30 पे, 2:30 पे मैंने जाना है। और आखिरी स्टॉप है मेरा, आखिरी स्टॉप है जो आज जाके पहुँचेंगे ओस्लो टर्मिनल, वहाँ मैंने जाना है। तो अभी मेरे पास है काफ़ी टाइम, तो मैंने कहा चलें आपको ये सैर भी करवा दें। ये देखें, टूरिस्ट बस आपको नज़र आ रही है। ये जो टूरिस्ट आते हैं, पूरी दुनिया से जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे नॉर्वे, वैसे भी मैंने आपको बताया कि बहुत ही खूबसूरत है, तो यहाँ पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए। और बहुत ही अच्छा मौसम है, हल्की हल्की धूप है और ठंडी हवा चल रही है। ये देखें, अभी ये कोई फ्लाइट आई है, ये टूरिस्ट आए हैं यहाँ पर। आप ये देखें कितनी खूबसूरत यहाँ पे पौधे हैं, कितना खूबसूरत। ये स्मोकिंग एरिया है, स्मोकिंग एरिया आप देख सकते हैं कि इस एरिया में स्मोकिंग कर सकते हैं लोग। इसके अलावा जो जगह हैं, अगर कोई करता है ऐसे तो उस पर फाइन हो सकता है। और दूसरा, ये जो बसेस हैं जो जाती हैं डिफरेंट सिटीज़ में नॉर्वे के, ये उसके यहाँ पर डिटेल है। जो टैक्सी चलती है, टैक्सी कोई बुक करता है तो उनकी टाइमिंग्स और ये सारा शेड्यूल यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है, इसको कहते हैं एयरपोर्ट टैक्सी। ये देखें कितने खूबसूरत गमले हैं और प्यारे पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है, ये देखें कितना खूबसूरत है। तो ये बस अभी किसी और प्लेस पर जा रही है, तो जो मेरी बस है वो जाएगी 2:30 पे ओस्लो टर्मिनल पे, मैंने वहाँ जाना है। तो वहाँ मुझे चौधरी इस्माइल सरवर साहब इंशाल्लाह लेने आ रहे हैं, तो वहाँ से फिर एक हमने प्रोग्राम में शिरकत करनी है। नाजरीन देख सकते हैं आप, बड़े खूबसूरत मनाजर है, कितने खूबसूरत घर बने हुए हैं, कितने खूबसूरत फार्म हाउस बने हुए हैं। ये कंट्री साइड एरिया है जिसको विलेज लाइफ भी कहते हैं।
देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सीनरी है। आप सिर्फ आसमान का एक खूबसूरत सा मंजर देखें, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये आगे इस यहाँ पे काफ़ी टनल है, बहुत सारे टनल हैं यहाँ से, और यहाँ से भी जब गाड़ी गुजरती है तो देखें फील होता है कि स्पीड बहुत तेज़ जा रही है, लेकिन वो नॉर्मल स्पीड में जा रही होती है। ये आगे दिखाते हैं आपको फार्म हाउस। फार्म हाउस में ये आप देख सकेंगे कि यहाँ पे कीमती जानवर है, ये भी यहाँ से व्यू देखें कितना प्यारा व्यू है। ये विलेज लाइफ है, कंट्री साइड इसको बोलते हैं, कितनी खूबसूरत यहाँ पे घर बने हुए। और ये देखें यहाँ पे गाय, धूप है इस वक्त और बड़ा प्यारा मौसम है, यानी कह सकते हैं कि ना सर्दी है ना गर्मी है। जी नाजरीन, ये इस वक्त आप देख सकते हैं टनल के अंदर काफ़ी ट्रैफिक है, तो जब ट्रैफिक होती है तो फिर थोड़ा सा डिले या टाइम ज़्यादा लग जाता है आपके सफ़र में। ये नाजरीन आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस गई है और एम्बुलेंस को सारी गाड़ियों ने रास्ता दे दिया। आप देख सकते हैं ट्राम गुजर रही है यहाँ से, और ये नीचे देख सकते हैं आप शिप्स हैं। जी नाजरीन, ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे बोट्स पार्क हुई हुई है, तो यहाँ पे मोस्टली जो है ये जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पे सैर भी करते हैं, और प्राइवेट जो बोट्स हैं ये लोगों ने खुद से खरीदी हुई हैं और यहाँ पे पार्क की हुई है।
ये आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में यहाँ पे मुख्तलिफ डिजाइन के बोर्ड्स मौजूद हैं। ये नाज़रीन शिप है, ये इस वक्त हम मुस्लो में पहुंच चुके हैं और ये ओपरा सेंटर आपको सामने नज़र आ रहा है। ओपरा सेंटर में काफ़ी प्रोग्राम हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ये शिप देख सकते हैं आप, ये रहा ओपरा सेंटर। ओपरा सेंटर जो है बहुत ही पॉपुलर यहाँ पे प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस, और यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं इसे देखने के लिए। और यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी स्टार जो है राहत फ़तेह अली खान अपने फन का मुजहरा कर चुके हैं। इस वक्त भी यहाँ पे टूरिस्ट मौजूद हैं, ये देख सकते हैं आप, इसे कहते हैं ओपरा सेंटर। तो इधर काफ़ी प्रोग्राम कर चुका हूँ मैं पिछले कई साल से, जब भी नॉर्वे आते हैं तो यहाँ की सैर ज़रूर कराते हैं। ये राजी ओपरा सेंटर, इस वक्त भी काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। बड़ा प्यारा व्यू यहाँ से नज़र आता है। ये आप बिल्कुल करीब से देखें कितना प्यारा ये ओपरा सेंटर का व्यू नज़र आ रहा है। ये शिप भी आप देख सकते हैं, यहाँ से ये शिप डेनमार्क जाता है और जर्मनी और दीगर कंट्रीज़ में जाता है। तो ये देख सकते हैं आप ओपरा सेंटर, और इस वक्त भी यहाँ पे ये टूरिस्ट मौजूद है हज़ारों की तादाद में। उधर टॉप पे जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे काफ़ी वहाँ पे टूरिस्ट मौजूद हैं। ऊपर मैंने भी काफ़ी वहाँ से टॉप से प्रोग्राम किए हैं। और ये शिप देख लें, यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में जाता है। ये राजी ओपरा सेंटर, बहुत ही पॉपुलर जगह ये प्लेस है नॉर्वे का। ये अभी डबल डेकर बस दिखाते हैं आपको, टूरिज्म बस है ये, डबल डेकर टूरिज्म बस है यहाँ की। ये यहाँ से ट्रेनें चलती हैं, ट्रेनें और ट्राम। ये ओस्लो बस टर्मिनल है, यहाँ पे ही हम जो हमारा ये लास्ट स्टॉप है जहाँ पे हम उतर जाएंगे। ये आप देख सकते हैं ओस्लो बस टर्मिनल, ये आखिरी स्टॉप है। और ये मेरे ख्याल में यहाँ से घूम के आएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। जी नाजरीन, हम ओस्लो में पहुंच चुके हैं और उम्मीद करेंगे आपको हमारा आज का जो प्रोग्राम है, हमने जो आपको नॉर्वे की सैर करवाई है, आपको पसंद आएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।